बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे आज देर से शुरू होगा। करीब 10 बजे सर्वे की शुरुआत हो जाएगी आज। दरअसल सावन का सोमवार होने की वजह से सर्वे का काम देरी से शुरू किया जाएगा। इस बीच मुस्लिम पक्ष ने सर्वे से जुड़ी जानकारी लीक होने से नाराजगी भी व्यक्त की है और इसे बहिष्कार की धमकी दी है। इस पूरे सर्वे के बहिष्कार की भी धमकी मुस्लिम पक्ष ने दी है। आरोप मुस्लिम पक्ष का यह है कि गलत जानकारी लीक हो रही है और इस पूरे सर्वे को बॉयकॉट करने की भी चेतावनी मुस्लिम पक्ष ने जारी की है। मुस्लिम पक्ष सर्वे से नाराज है। सार्वजनिक मंच पर जिस तरीके से सर्वे की जानकारियां लीक हुई है उसको लेकर मुस्लिम पक्ष में नाराजगी है। फिलहाल ये तीन बड़ी तस्वीरें, आज सर्वे का चौथा दिन जो 2 घंटे के विलंब यानी 8 बजे शुरू होना था, सावन के सोमवार के चलते अब 10 बजे कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। और साथ ही गुंबदों की भी जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण है वो कराया जा रहा है, उस पर हिंदू पक्ष का ज्यादा फोकस भी देखने को मिला। हिंदू धर्म से जुड़ी आकृति भी नजर आई है। सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारियां मिल रही हैं। फिलहाल जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके अनुसार मुस्लिम पक्ष ने ये नाराजगी व्यक्त की और कहा है कि अगर कोई भी जानकारी सर्वे से जुड़ी हुई लीक की जाती है या फिर किसी प्रकार की कोई अफवाहें फैलाई जाती है तो फिर सर्वेक्षण का विरोध किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। तो ज्ञानवापी सर्वे में अब तक क्या क्या हुआ है वो आगे विस्तार से आपको बताते हैं। व्यास तहखानों की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। आपको बता दें कि दीवारों की स्कैनिंग भी की गई है। ज्ञानवापी ASI के सर्वे में अब तक क्या क्या हुआ है, चौथा दिन आज है। तीनों गुंबदों का भी सर्वे शुरू हो चुका है। सर्वे में वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ASI की टीम है वो वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। सर्वे को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है, मुस्लिम पक्ष ने ऐसा आरोप लगाया है। मुस्लिम पक्ष की अफवाह रोकने की भी अपील की गई है। और लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं ज्ञानवापी के सर्वे पर, नितेश पांडे हमारे साथ हैं वाराणसी से। नितेश, 9:41 का समय और लगभग 20 मिनट के बाद सर्वे जो है चौथे दिन का वो शुरू हो जाएगा। अब किस तरीके से आप देख पा रहे हैं आज, किस तरीके से आज ये पूरा सर्वे कंक्लूड होगा, साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष की नाराजगी खुलकर सामने आई, बॉयकॉट करने की चेतावनी इस पूरे सर्वे को मुस्लिम पक्ष ने सामने रखी है? देखिए, मुस्लिम पक्ष की चेतावनी को सनातनी समाज निराशा से जोड़कर देख रहा है। वो ये कह रहा है कि जिस तरह से साक्ष्य अंदर मिल रहे हैं सर्वे की टीम को और जब उन साक्ष्यों को प्रमाण के तौर पे बाहर बताया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम पक्ष निराश हो रहा है, इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। तैयारियां मैं आपको दिखा दूं, थोड़ी देर और है और थोड़ी देर में यहां से सर्वे की शुरुआत होगी। कुछ देर आप जो तैयारियां हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखें, यहां पर आपको पुलिस और प्रशासन के कड़े इंतजाम दिखाई देंगे। जो भीड़ है, चूंकि आज सावन का सोमवार भी है, 5वां सोमवार है और ऐसी स्थिति में जो भीड़ है यहाँ पर वो ज़्यादा है, लिहाजा आज जो सर्वे का टाइम था वो 2 घंटे देर शुरू कर किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो अब देखिए ये भीड़, ये जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार आती जा रही है। अब थोड़ी देर में सर्वे की टीम यहाँ पर पहुँचेगी और पहुँचने के बाद सर्वे की शुरुआत होगी। सर्वे की शुरुआत जहाँ से कल समापन हुआ था, यानी जो गुंबद क्षेत्र है आज वहाँ से शुरुआत होगी। गुंबद का जो निचला क्षेत्र है आज वहाँ से शुरुआत होगी और इस शुरुआत के साथ ही एक जो प्रमाण के तौर पर, जिसका मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं चेतावनी के तौर पर प्रयोग कर रहा है, अब देखना यह होगा कि क्या बाहर निकल कर आता है। जिस तरह से पिछले दिनों बात करें तो सर्वे में हिंदू प्रतीक दिखाई दिए दीवारों पर, यह सूचनाएं बाहर आई। मुस्लिम समुदाय ये कहता है कि अगर सूचनाएं अफवाह के रूप में बाहर आती रहे तो हम इससे किनारा करेंगे। अब देखना यह होगा कि मुस्लिम पक्ष क्या किनारा करता है या फिर यूं ही बना रहता है, सर्वे का साथ देता है। आपको बताएं कि जिस तरह से सर्वे की टीम लगातार सर्वे कर रही है, अत्याधुनिक मशीनों से सर्वे किया जा रहा है, सर्वे की टीम अंदर मौजूद रहती है। अगर पिछले दिनों की बात करें तो 9 से 5, 8 से 5 और आज 10 बजे से 5 बजे तक का समय होगा और इस समय के बीच में सर्वे की टीम अत्याधुनिक मशीनों का, राडार तकनीक का और इसके साथ अपनी जो मैपिंग है इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए नजर आएगी। एक बार उस तस्वीर को दिखाते हैं जो चौक की तरफ जाती है। अब देखिए, ये जो आपको सामने जो सड़क दिखाई दे रही है ये चौक की तरफ जाती है और इस चौक की तरफ जाने वाली सड़क को आप देखिए, यहाँ पर आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी, जो श्रद्धालु हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। तो तमाम आज श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं, सबके मन में सर्वे को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। सब जब बाबा के लिए जलाभिषेक के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो वही उसी दौरान वही भक्त जो ज्ञानवापी का स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए नजर आ रहे हैं, सबके मन में उत्साह नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आप नजर बना के रखिएगा। नितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ ही देर का वक्त बचा हुआ है, ज्ञानवापी में ASI का जो सर्वे है वो एक बार फिर आज शुरू हो जाएगा। Z News।